कि आज के समय में आपको करना क्या चाहिए, तो आज के समय में आपको सफलता की तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आपको एक अपना स्मार्ट अप्रोच हमेशा बना कर रखना है, ठीक है। जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं ना, तो सवालों को पढ़कर थोड़ा सा चिंतन किया करिए कि यार इस सवाल को हम कैसे कम समय में बना पाएं, क्या क्या और शॉर्ट तरीके हो सकते हैं। आज जैसे मैं मानो गुरुकुल में ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आज क्लास ली, और ट्रिग्नोमेट्री की जब मैंने क्लास ली ना, मैंने उनके सामने क्वेश्चन रख दिया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा तुम इसके बारे में कितने तरीके सोच सकते हो, ज़रा सोच के बताओ। सबका एक ही तरीका आया, किसी ने दो तरीके बताए, बट जब हमने उनके सामने तरीके रखे तो फिर उनको समझ में आया कि असल में हम कर क्या रहे थे इतने दिनों से, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर कि जनरली हमने कहीं से कोई बात सीख ली, हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, और यही समय आपका बेकार करता है। बहुत लोग बहुत दावे करते हैं, मैंने यहां से पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने इनकी किताब पढ़ी। अरे यार, अगर मैंने वहां से यहां से वहां से पढ़ा होता तो इस समय आप उन्हीं से पढ़ रहे होते, मुझसे थोड़ी पढ़ रहे होते। अगर हमने जिनसे पढ़ा है तो आप भी उन्हीं से पढ़ रहे होते, आप मुझसे नहीं पढ़ रहे होते, सीधी सी बात है यार, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आता है यहाँ पर कि हाँ ठीक है, आप इस बात को समझिए। जब हम पढ़ाई करते थे ना, जब हम सभी क्वेश्चंस को लगा रहे होते थे, जब हम किताबों को देख रहे होते थे, जब हम मॉक को, तो उनके पे हमने खुद के सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू किया। सारे के सारे टेक्निक्स मैंने खुद अपनाए। कैसे कोई क्वेश्चन, अगर मानो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया, तो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि इसको और शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। एवरेज का कोई सवाल आ गया तो इसको मैं कैसे बैलेंस करके बना सकता हूँ शॉर्ट में। इसलिए आप चाहे मेरी परसेंटेज की वीडियो देख लो, चाहे आप मेरी एवरेज की वीडियो देख लो, एवरेज की वीडियो डाली है ना 8 घंटे की, पूरे यूट्यूब के इतिहास में उठा के देखो, अगर मेरा वाला कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पर मिल जाना तो मैं बता दूंगा, पूरे भारत में वो कंसेप्ट कभी भी किसी के पास नहीं है, वो कंसेप्ट मेरे पास है, वो मेरे बच्चों को पता है कि वो मैं पढ़ाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका पढ़ाने का है ना, वो मेरा अपना तरीका है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये जो है ना, इनके ऊपर मैंने काम किया, और आप भी इसके ऊपर काम करिए, स्मार्ट अप्रोच के ऊपर। दूसरा जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, सबसे बड़ा शब्द